क्वेश्चन नंबर एक, कौन सा शहर सबसे बड़ा नगर निगम है? दोस्तों हरियाणा का कौन सा शहर है जो सबसे बड़ा नगर निगम है? आपका आंसर होगा फरीदाबाद। वैसे भी दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा में पहला नगर निगम बताएं तो भी आपका आंसर फरीदाबाद होगा, और भारत में पहला नगर निगम बताएं तो फिर आपका आंसर मद्रास होगा। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर दो, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से दोस्तों चौधरी बंसीलाल जी को जाना जाता था। भारत के लौह पुरुष की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और हरियाणा के लौह पुरुष की बात करेंगे तो चौधरी बंसीलाल जी का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर तीन, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय यानी GJU, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थित है? GJU दोस्तों हरियाणा के हिसार जिले में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर चार, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जिसे जिसका दूसरा नाम हम HAU भी बोलते हैं, हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना दोस्तों 1970 में की गई थी, हरियाणा के हिसार में ये भी मौजूद है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में है? हिसार जिले में ये मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स NRCE किस जिले में स्थित है? NRCE दोस्तों हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के दोस्तों करनाल के अंदर प्रसिद्ध है, स्थापित है, वहीं से ये भारत का एक सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूशन है, जो पूरे नेशनल लेवल का हेड ऑफिस है वो आपके यहाँ करनाल के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? NDRI की स्थापना 1955 ईस्वी के अंदर की गई थी, और इस NDRI को ही भारत के अंदर काफी ज्यादा मात्रा के अंदर अलग अलग जिम्मे समय समय पर दिए गए हैं, दूध उत्पादन और उसको बढ़ावा देने की रिपोर्टें इसकी बड़ी फेमस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा के किन जिलों में अच्छी किस्म का बासमती चावल पैदा होता है? हरियाणा के कौन से जिलों में बेस्ट किस्म का बासमती चावल पैदा होता है? आपका आंसर रहेगा करनाल और कुरुक्षेत्र। दोस्तों आपको ध्यान होगा पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा चावल बंगाल में पैदा होता है, लेकिन जो टॉप क्वालिटी का चावल बासमती है वो बंगाल के अंदर पैदा ही नहीं होता है। ये जो हरियाणा के बात हम करते हैं तो करनाल और कुरुक्षेत्र, और अगर पूरे भारत की बात करते हैं तो बासमती चावल हरियाणा में, पंजाब में और उत्तराखंड के एक दो डिस्ट्रिक्ट में ही पैदा होता है। बाकी भारत के अंदर इसी चावल का हम विदेशों के अंदर निर्यात भी करते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का और महंगे दामों का हम हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती है? दोस्तों यहाँ आपके आंसर दो आएंगे, एक आएगा रोहतक और दूसरा आएगा आपका चरखी दादरी। हरियाणा के अंदर दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती है, बाकी जितने भी हरियाणा के अंदर टोटल जिलों की बात करेंगे तो 22 जिले हैं, 22 में से 20 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं किसी न किसी दूसरे राज्य के साथ जरूर लगती है, लेकिन दो जिले ऐसे हैं, एक रोहतक और एक चरखी दादरी, इन दोनों ही जिलों की सीमाएं जो हैं वो भारत के और किसी राज्य से हरियाणा के अलावा नहीं लगती हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। इसी के साथ साथ जो दूसरा लेक्चर है वो यहाँ समाप्त हुआ, तीसरे लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो के हिस्से में खत्म होने से पहले नजर आ जाएगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हैं। इस नंबर के ऊपर अपना नाम और सब्जेक्ट लेके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जरूरी जानकारी आपको भेज दी जाएगी। सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल को मंगवाने के लिए आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें या कॉल करके ऑर्डर करें। इंडिया के अंदर जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं हर एग्जाम का स्टडी मटेरियल बाई कोरियर घर पर पहुंचाते हैं हम लोग, और उसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। चाहते कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन मिले। धन्यवाद।